जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से दूसरी और अपडेट आ रही है। कई बुजुर्गों की पेंशन इस वजह से कट गई है, सरकारी योजना का नहीं मिल पा रहा है लाभ। फैमिली आईडी की बदौलत कई लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने लगा है। हालांकि कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है। फैमिली आईडी के कारण बुजुर्गों की पेंशन और राशन ही गायब हो गया। जजपा ने सत्ता में आने से पहले वृद्धाओं की महंगाई सूचकांक के अनुसार 5100 रुपये पेंशन करने का तो वादा किया था, लेकिन वो अभी नहीं कर पाए हैं। और लोकसभा की तर्ज पर पहली बार बजट के बाद 5 दिन की रिसेस हुई थी और पेंशन फिर से बढ़ोतरी का समय आ चुका है। अब की बार पेंशन कितनी बढ़ाई जाएगी? 5100 रुपये हो सकती है सभी बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन। और गठबंधन सरकार ने वादा तो किया था 5100 रुपये करने का, तो वो भी हो सकती है दूसरी बढ़ोतरी में एक साथ, या तो 5100 की बढ़ोतरी होगी या फिर 3000 की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, फैमिली आईडी की बदौलत सरकारी योजना का लाभ मिलना लगा है और हरियाणा के कुछ लोगों के लिए परेशानी का भी सब बन गई है। फैमिली आईडी के कारण बुजुर्गों की पेंशन और राशन ही गायब हो गया है। लेकिन भाजपा ने सत्ता में आने से पहले महंगाई सूचकांक के अनुसार 5100 रुपये और 3000 के बीच पेंशन करने का वादा तो कर दिया है। लोगों की कुछ कल्याणकारी योजना हरियाणा में संचालित रहती हैं और चलाई भी जाती हैं। और विधानसभा स्टैंडिंग कमेटियों ने अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के दुष्कर्म पीड़िताओं को दी जाने वाली राशि 1 लाख की आर्थिक मदद से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की भी सिफारिश कर दी है। तो दोस्तों, जुड़े रहें आप सभी लोग हमारे साथ हमारे वीडियो को अंत तक देखें।